दोस्तों आज प्रो कबड्डी 2023 का यहाँ पर तीसरा मुकाबला खेला गया। दोस्तों आज के मुकाबले में तमिल सिलेवास और दबंग दिल्ली के बीच मुकाबला था। दोस्तों यहाँ पर अभी फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। वहीं यहाँ पर दोस्तों अगर आप पूरे हाइलाइट देखनी है तो वीडियो एंड तक जरूर बनेगा। दोस्तों पूरी हाइलाइट देखेगा, अगर आप कबड्डी के फैन हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपको पूरी हाइलाइट दिखाएंगे, आप अंत तक बनेगा। दोस्तों यहाँ पर तमिल सिलेवास का भी 18 पॉइंट है फर्स्ट हाफ के बाद। तो वहीं दोस्तों दबंग दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर दबंग दिल्ली के 14 पॉइंट है। दोस्तों तमिल सिलेवास के 18 पॉइंट है, जिसमें से 8 यहाँ पर तमिल सिलेवास को रेड में पॉइंट मिले हैं। मतलब दोस्तों तमिल सिलेवास से सुपर रेड की बात की जाए तभी यहाँ पर इनको 0 पॉइंट मिला है। मतलब तमिल सिलेवास से किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक दबंग दिल्ली किसी भी तीन खिलाड़ियों को आउट नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर तीन खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद सुपर रेड का पॉइंट मिलता है। दोस्तों वहीं यहाँ पर टैकल पॉइंट की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर तमिल सिलेवास ने बढ़त बनाई है। यहाँ दोस्तों तमिल सिलेवास ने यहाँ पर टैकल्स पॉइंट में 7 यहाँ पर टैकल पॉइंट तमिल सिलेवास के पास है। मैं दोस्तों ऑल आउट पॉइंट की बात की जाए तो ऑल आउट में दोस्तों 2 ऑल आउट के पॉइंट यहाँ पर तमिल सिलेवास के पास है। दोस्तों मतलब तमिल सिलेवास ने दबंग दिल्ली को एक बार ऑल आउट किया, जिसके चलते आप 2 पॉइंट तमिल सिलेवास को मिले ऑल आउट में। तमिल सिलेवास में एक्स्ट्रा पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट तमिल सिलेवास के पास। मैं दोस्तों दबंग दिल्ली में 14 पॉइंट है, और 14 पॉइंट में देखा जाए तो रेड में यहाँ पर इनके पास दबंग दिल्ली के पास 10 पॉइंट है। वहीं तमिल सिलेवास से 8 पॉइंट, 2 पॉइंट की लीड है दबंग दिल्ली के पास। इनके 10 पॉइंट है अभी यहाँ पर रेड में। वहीं सुपर रेड की बात की जाए तो 1 सुपर रेड का पॉइंट मिला है यहाँ पर दबंग दिल्ली को। दबंग दिल्ली ने 1 सुपर रेड डाली है तमिल सिलेवास के खिलाफ। दबंग दिल्ली से किसी एक खिलाड़ी ने तमिल सिलेवास के 3 से ज़्यादा खिलाड़ी को आउट किया था, तब जाकर सुपर रेड को 1 पॉइंट मिला है। वहीं दोस्तों टैकल पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दबंग दिल्ली ने 4 ही टैकल किए, वही 7 यहाँ पर तमिल सिलेवास ने टैकल किए। मतलब 3 पॉइंट की लीड यहाँ पर ले रखी है तमिल सिलेवास ने टैकल में। वहीं यहाँ पर रेडिंग में ले रखी है दबंग दिल्ली ने। ऑल आउट पॉइंट की बात किया तो 0 पॉइंट है। मतलब दबंग दिल्ली ने तमिल सिलेवास को एक बार ऑल आउट नहीं किया, तभी इनके चलते यहाँ पर ऑल आउट पॉइंट का 0 पॉइंट है। मैं दोस्तों दबंग दिल्ली कि अगर बात किया एक्स्ट्रा पॉइंट की तो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट दबंग दिल्ली के पास 0 है यहाँ पर मात्र। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर अभी तक फर्स्ट हाफ के बाद तमिल सिलेवास अच्छी लीड निकाली है। वही दोस्तों नवीन कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया है नवीन दबंग दिल्ली के, इन्होंने 7 पॉइंट निकाले यहाँ पर फर्स्ट हाफ में, और अपने सुपर 10 से और यहाँ पर पीकेएल सीजन 10 के सुपर 10 से मात्र यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट ही दूर है, जो कि आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों विधि शानदार यहाँ पर तमिल सिलेवास के 18 पॉइंट है तो दबंग दिल्ली के 14, 4 पॉइंट की लीड ली यहाँ पर तमिल सिलेवास ने। फर्स्ट हाफ में दोस्तों बड़ी लीड ले रही, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पर दबंग दिल्ली ये मुकाबला यहाँ पर पलटने में माहिर है, क्योंकि उनके पास नवीन कुमार और आशु मलिक जैसे दो युवा यहाँ पर शानदार रेडर है। तो ऐसे देखना दिलचस्प रहेगा नवीन कुमार और आशु मलिक सेकंड हाफ में किस प्रकार प्रदर्शन करते हैं और ये 4 रन रेड किस प्रकार तोड़ते हैं। अभी तभी सिलेवास के यहाँ पर रणजी की पवार शानदार यहाँ पर 7 पॉइंट ले रखे उन्होंने, और बेदी शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। ऐसी प्रदर्शन सेकंड हाफ में कायम रखना होगा अगर यहाँ पर तमिल सिलेवास की टीम को ये मुकाबला यहाँ पर आसानी से जीतना है तो। दोस्तों तमिल सिलेवास की यहाँ पर शेडिंग से उनकी बात की जाए तो उसमें जिंकम पवार, नरेंद्र होशियार, हिमांशु, साहिल सिंह, एम अभिषेक, सागर, मोहित जैसे स्टार्टिंग से शामिल खिलाड़ी है। दोस्तों अजिंक्य पवार की बात की जाए तो इन्होंने 4 रेड में पॉइंट लिया, 1 टेकल में पॉइंट लिया, 2 बोनस में पॉइंट, 7 टोटल इनके पॉइंट है। ये अपनी टीम की तरफ से अकेले यहाँ पर रेडिंग और डिफेंड दोनों में चले हैं। ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया अजिंक्य पवार ने। और नरेंद्र होशियार की बात की जाए तो इन्होंने 2 रेड में पॉइंट निकाले, 0 टेकल में पॉइंट मिला, 0 ही बोनस में पॉइंट मिला, टोटल इनके भी 2 पॉइंट है। हिमांशु ने यहाँ पर 0 रेड में पॉइंट लिया, 1 टेकल में पॉइंट मिला, 1 बोनस का पॉइंट मिला, टोटल इनके 2 पॉइंट है। साहिल सिंह ने 0 रेड में पॉइंट लिया, 2 टेकल में पॉइंट लिया, 0 बोनस का पॉइंट, 2 इनके पास टोटल पॉइंट है साहिल सिंह के पास। एम अभिषेक की बात की जाए तो 0 रेड में पॉइंट मिला, 1 टेकल में पॉइंट मिला, 0 ही बोनस का पॉइंट और 1 यहाँ पर टोटल पॉइंट है। दोस्तों सागर की बात की जाए तो 0 रेड में पॉइंट मिला, 1 यहाँ पर टेकल में पॉइंट मिला है और यहाँ पर 0 ही बोनस का और टोटल यहाँ पर सागर का 1 पॉइंट अभी मिला जो कि टेकल में मिला है। मोहित ने यहाँ पर 0 रेड में पॉइंट लिया, 0 ही टेकल में, 0 ही बोनस में और टोटल 0 पॉइंट है। मोहित का अभी हम स्टार्टिंग से खाता भी नहीं खुल पाया। मोहित एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बचेंगे टीम में से तमिल सिलेवास की तरफ से तो इनका खाता नहीं खुल पाया, बाकी सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। खासतौर पर अजिंक्य पवार ने जिन्होंने 4 रेडिंग में 1 टैकल 2 बोनस टोटल 7 पॉइंट निकाले, और अपने सुपर टेन से मात्र 4 पॉइंट दूर है, और वो भी 4 पॉइंट अगर सेकंड हाफ में ले लेते हैं और आसानी से अपना यहाँ पर सुपर टेन भी यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर तमिल सिलेवास सामने दबंग दिल्ली टीम है उनकी स्टार्टिंग सेवन की, तो उसमें नवीन कुमार, हिम्मत अंटिल, आशु मलिक, विशाल भारद्वाज, मितु, मोहित, योगेश दहिया, ये स्टार्टिंग सेवन में शामिल है। नवीन कुमार ने दोस्तों यहाँ अभी तक फर्स्ट हाफ में 6 रेड में पॉइंट निकाले, 0 टेकल में और 1 बोनस का पॉइंट मिला, टोटल अभी इनके 7 पॉइंट है, और अभी अपने सुपर 10 से यहाँ पर मात्र 3 पॉइंट दूर है, जो कि सेकंड हाफ में आसानी से पूरा कर लेंगे। हिम्मत अंतिल की बात की जाए 0 रेड में पॉइंट मिला, 2 टेकल में पॉइंट मिले, 0 ही बोनस का पॉइंट है, टोटल इनके यहाँ पर 2 पॉइंट है। आशु मलिक की बात की जाए तो 2 रेड में पॉइंट मिले, 0 टेकल में, 0 बोनस का, टोटल इनके 2 पॉइंट है। विशाल भारद्वाज की बात की जाए 0 रेड में पॉइंट मिला, 2 टेकल में पॉइंट मिला है, 0 बोनस का, टोटल इनके यहाँ पर 2 पॉइंट है। दोस्तों मितु की बात की जाए तो 1 रेड में पॉइंट मिला है, 0 टेकल में, 0 बोनस, टोटल मितु का 1 पॉइंट है। भाई मोहित ने 0 रेड में, 0 टेकल में, 0 बोनस, टोटल 0 पॉइंट, एक खाता भी खुला मोहित का। योगेश दहिया की बात की जाए तो 0 रेड में, 0 टेकल, 0 बोनस, टोटल 0 पॉइंट इनका भी।
योगेश दैया और मोहित अभी तक यहाँ पर टेकर रेडी, बोनस किसी में खाता नहीं खुल पाया, दोनों के 0-0 पॉइंट है। बाकी यहाँ पर स्टार्टिंग सेवन में यहाँ पर सभी के पास पॉइंट है, खासतौर पर नवीन कुमार का प्रदर्शन बेहद ही शानदार है, जिन्होंने 6 रेड में पॉइंट निकाले, 1 बोनस का पॉइंट निकाला है और 7 यहाँ पर टोटल अभी इनके पॉइंट है। तो उससे ऐसे में नवीन कुमार ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और यहाँ पर सेकंड हाफ में उम्मीद रहेगी कि दबंगगिरी वापसी करेगी और दबंगगिरी में वापसी कराने में नवीन कुमार की अहम भूमिका रह सकती है और अपना यह सुपर 10 भी आसानी से यहाँ पर पूरा कर लेंगे। दोस्तों नवीन कुमार अपने सुपर 10 से मात्र 3 पॉइंट दूर है और दोस्तों ये मुकाबला यहाँ पर नवीन कुमार की टीम दबंग दिल्ली जीती है या यहाँ पर दोस्तों तमिल थलेवास नरेंद्र होशियार की टीम तमिल थलेवास जीती है। ये दोनों दोस्तों टीमें कप्तान एक नरेंद्र होशियार तमिल थलेवास के, तो वही नवीन कुमार यहाँ पर दबंग दिल्ली के दोनों ही युवा कप्तान है। दोस्तों ऐसे में ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है और ये अंत तक जाएगा तो काफ़ी यहाँ पर देखने में बेहद ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में नरेंद्र होशियार को यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करना होगा तमिल थलेवास की टीम की तरफ से और इस सीज़न की पहली जीत लेने से, वहीं यहाँ पर दबंग दिल्ली के कप्तान नवीन कुमार को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अभी 7 पॉइंट ले लिए फर्स्ट हाफ में, 3 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सुपर 10 भी अपना आसानी से यहाँ पर पूरा कर लेंगे नवीन कुमार। तो उसे ऐसे में यहाँ पर आयुष मलिक को भी साथ देना होगा नवीन कुमार का, तो ऐसे में यहाँ पर बढ़त मिल सकती है और यहाँ पर ये 4 पॉइंट की लीड है जो कि फर्स्ट हाफ में मिली है इसको तोड़ सकती है। इस अगर आप नवीन कुमार के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आगे भी आपको इसकी खबर मिल जाएगी। तो टाटा बाय बाय। PKL कबड्डी के फैन हो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब।